नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन। राजस्थान में जिस तरीके से गहलोत खेमे के 90 विधायकों के बागी तेवर देखने को मिले हैं, उसके बाद कांग्रेस जो है थर थर कांपने लगी। मानो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैरों के नीचे से अब जमीन खिसक चुकी। जिस गहलोत पर इतना यकीन जता रहे थे राहुल गांधी, जिस गहलोत पर इतना यकीन जता रही थी सोनिया गांधी, उन दोनों के होश उड़े के उड़े गए। आंखें तो उस समय खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि राजस्थान में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से अशोक गहलोत ने मुलाकात करने से भी इनकार किया। कॉल पर जब उनकी बात हुई तो वहां पर अशोक गहलोत कहते हैं, अब स्थिति मेरे हाथ और नियंत्रण दोनों से बाहर हो। कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाले कांग्रेस के ही जादूगर नेता अशोक गहलोत। चर्चाएं इस बात को लेकर के तेज है कि अशोक गहलोत अब राजस्थान में क्या करें, क्या बागी तेवर दिखा करके कांग्रेस की नींव को साफ कर दे। देखिए, बात तो सही है क्योंकि राजस्थान में भले ही सचिन पायलट की लोकप्रियता ज्यादा है, लेकिन अशोक गहलोत की मर्जी के बिना राजस्थान की सियासत पत्ता भी नहीं। भाजपा के दिग्गज भी अशोक गहलोत के नाम से थर थर का, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप देखिए कि किस तरीके से राजस्थान की सियासत में। देखिए, अगर बात करें लोकप्रियता की तो दिल्ली दरबार से सचिन पायलट को भरपूर समर्थन। 2020 का सोनिया गांधी का किया हुआ वादा निभाने जब सोनिया गांधी पहुंची तो अशोक गहलोत हाथ फैला करके खड़े हो गए और कहा, ये नहीं हो सकता, ये करने के लिए आपको कांग्रेस की लाश जो राजस्थान में गिरने वाली है उसके ऊपर से होकर गिरेगा। कांग्रेस की लाश को ठिकाने लगाने का अशोक गहलोत ने ये जो रणनीति बनाई थी ये एक हफ्ते पहले ही बनाई। कांग्रेस को चिता दिया था कि देख लीजिए भैया, अगर राजस्थान की कमान मेरे खेमे के बाहर गई तो फिर आपकी भी खैर। अशोक गहलोत जो राहुल गांधी और कांग्रेस की चापलूसी में लगे रहते थे, उन्होंने भी अपना रंग दिखा। जिस अशोक गहलोत को चूहा समझ के बैठी थी कांग्रेस, उसने जब मुंह खोला तो पता चला कि ये तो काला नागिन है। इस बगावत की सियासत के बीच जो है एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि गहलोत ने इसकी एक हफ्ते पहले से ही रणनीति बना ली थी कि कैसे कांग्रेस को सुधारना है। विधायक दल की बैठक में विधायक शामिल नहीं हुए और कांग्रेस के सामने तुगलकी और बगावती फरमान दे दिया कि वो इस्तीफा दे सकते। अब आप डर जाइए, अशोक गहलोत के खेमे के विधायक यानी कि 90 विधायक 108 में से इस्तीफा दे सकते। कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी है, अगर अशोक गहलोत को नहीं बनाते हैं तो कांग्रेस डर जाएगी, अगर सचिन पायलट को नहीं बनाते हैं तो भाजपा आएगी और कांग्रेस फिर से डरेगी। लेकिन कांग्रेस के पास जो है मजबूती रहेगी अशोक गहलोत के होने, क्योंकि 2020 में बागी तेवर एक बार सचिन पायलट दिखा चुके, इस वजह से कांग्रेस को काफी ज्यादा जो है डर लगा हुआ। कांग्रेस का फैसला लेने में भी कांग्रेस 10 बार सोच रही, अपने ही नेताओं से इस तरीके का धोखा कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा। खैर, जो भी हो, राजस्थान की सियासत में कांग्रेस इस कदर फंसी है कि उन्हें कुछ सोचने का मौका ही नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।